हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम पहुंच गए हैं कोलकाता। ये है न्यू टाउन का वेस्टर्न मॉल, जिसके सामने एक ओयो में मैं रुका हुआ हूँ। अचानक से आ गया हूँ क्योंकि ऑफिस का काम है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा लोकल डिशेस यहाँ पे हम ट्राई करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे इधर, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल हो गया और साइंस सिटी हो गया, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। अपना जो ओयो है वो उसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा आप लोगों को। अगर आपको न्यू टाउन के पास में रहना है तो करीबन 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये ओयो है, कैपिटल ओयो ओक टाइप का कुछ तो नाम है। इट्स क्वाइट गुड, और फूड यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, तो फूड आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा। और ये मैं हूँ अभी ओयो के मतलब रूफ पे। अभी हम लोग ऐसे बाहर थोड़ा सा ऊपर आए हैं और अभी प्लान कर रहे थे। आज इस बार का जो व्लॉग्स आपको मिलेगा देखने को, इसमें मैं कोई भी कैमरा वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी GoPro यूज़ नहीं करूँगा, DSLR यूज़ नहीं करूँगा, मोबाइल से व्लॉग बनेगा इसमें। और कोलकाता दिखाता हूँ आपको, कितना दूर तक दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेरे साथ है राजा, ये मेरे ऑफिस का जूनियर है, और हम दोनों मिलके अभी यहाँ पे यूनिटेक सिटी में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके ऑफिस पे करना पड़ रहा है। आज सैटरडे संडे है तो थोड़ा सा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। सो गैस, वी आर ऑल रेडी टू गो टू आमी बेंगोली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम करेंगे टेस्ट एक ऑथेंटिक बेंगोली डिशेस का, और आपको बताएंगे कि कैसी है। ये अपना जो रूम है, बेसिक सा रूम है, बहुत ही अच्छा है। नाउ इट इज़ अराउंड 2:00 और बहुत ही भूख भी लग रही है अभी, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको मिलते हैं रोड पे, और खाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं ऑन दी रोड। बाहर देखिए, अचानक से बारिश हो गया, मौसम बहुत ही मजेदार हो गया है, और कैब में हम रुक रहे हैं। बोलो कैसा लगा फिर खाना? इतना एक्साइटमेंट था कि आएंगे प्योर बंगाली खाना खाएंगे, लेकिन सामने एकदम कुछ नहीं, खाली सा दुर्दी खराब हो गई पूरी, लग गए पूरे अच्छे से। अभी क्या करेगा? लंच करेंगे यहाँ पे भोजोरी मन्ना पे, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है अपना खाना, जिसमें कि ये सब सामान है, फिश कलिया, चिंगरी, आलू झुरझुरी, पूरी, पोस्टो दाल, ये आलू पोस्टो, ये सुक्तो, ये भी कुछ है पता नहीं, और ये स्वीट्स करते हैं स्टार्ट। पूरी दाल कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है, खाना अच्छा है, टेस्टी। फिश ट्राई करो, फिश थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन खाना। खाना पीना अपना हो गया है, अभी हम जा रहे हैं बैक टू होटल, और खाना थोड़ा सा ओवर प्राइस था, बट इट वॉज रियली टेस्टी। और आप अगर आते हो तो आप ये वाले होटल पे विजिट कर सकते हो, नाम और लोकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख के आप गूगल पर सर्च करके वहाँ पर आ सकते हो। और कैसा लगा राजा बताओ? बेहतरीन, मन भर जाएगी।
मन पेट सब भर गया। तो कोलकाता का खाना एवन क्वालिटी का सबसे बेहतर, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना दिन से हम लोग कुछ भी खा रहे थे, बिरयानी विरयानी खा रहे थे, अभी थोड़ा सा मन भर गया। अभी रात को जाएंगे, शायद इको पार्क जाएंगे, आपको इको पार्क। गाइस इट्स टाइम टू गो टू विक्टोरिया मेमोरियल। अभी हमारा कैब जो है नीचे वेट कर रहा है, हम भी हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, उसके बाद साइंस सिटी जाएंगे। तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए। ये है आपका आगे में साइंस सिटी, अभी वहां से हम यहाँ पे घूमने आएंगे अगर टाइम मिलता है तो। इट इज ड्रोन प्रोहिबिटेड but humans are allowed and Indians are too cheap here. So what are the ticket prices here? Ticket price is 30 rupees, 30 for Indians for garden and museum, and for foreigners it's 500, for SAARC countries it's 100, and this is 7 Rex Imperator, and that's the great building, 46 tower building. What may you sir? Wow. 60 floor का बिल्डिंग है, सॉरी, ग्रेट। एंड वी आर अहेड टू विक्टोरिया मेमोरियल। एडवर्ड 4 इंपीरियर, एडवर्ड 7 रेक्स इंपीरियर। दिस प्लेस इज नोन एज विक्टोरिया मेमोरियल एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता, एंड इट वाज मेड बिटवीन 1906 टू 1921। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स एंड इट शोज द रॉयल हेरिटेज ऑफ। You can see the look over here, Sir Kumadi. You can see on the back also. यहाँ पे आपको इस तरीके का लॉन और बेहतरीन एक लुक दिखने को मिलता है। तो अगर आप कोलकाता आते हो तो this is a must visit place. So let's go inside and explore more what we can see inside. So this is the entrance. A very huge architecture. बहुत पुराना है, प्राचीन है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, वाइट मार्बल्स फिनिशिंग में। तो अगर मैं मेरा वीडियो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है तो आपको वहाँ पे भारत का झंडा दिख रहा होगा, वो देखिए, वो है भारत का झंडा वहाँ पे। तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी प्राउड इंडियन मोमेंट। जय हिंद, जय हिंद। तो गाइस दिस इज द सेंटर, और ये देखिए कितना बड़ा आर्किटेक्ट है, ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज। सो गाइस यू कैन सी द पिस्टल्स एंड द राइफल्स, दोस वेर यूज्ड ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ये सब कार्टेजेस के साथ पिस्टल्स है। अगर आप आगे आओगे along with the cottages. More varieties of pistols over there. This is a good collection, very good collection. I love it. ये जो माउजर आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माउजर्स एट दैट टाइम। 1914 के आसपास ये माउजर्स जर्मनी में मैन्युफैक्चर होते थे। इसका नाम था C-96, और ऐसे माउजर्स को हमारे क्रांति वीरों ने चोरी किया था और उनको अंग्रेज़ों के अगेंस्ट पे जो है यूज़ किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यही वाला माउजर यूज़ करके जो फायर किया था वो ऑफिसर को, वो भी इसी माउजर से था। तो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माउजर्स, और एवरी जो अपने क्रांतिवीर से और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनको ये माउजर्स चाहिए था, और बहुत ही पावरफुल और सॉलिड माउजर्स था। इसे
सो हियर इज द रोपवे 65 rupees पर पर्सन और ये है एंट्री गेट। तो ये 65 rupees का एंट्री है पर पर्सन यहाँ पर और अंदर घुसते ही माहौल बहुत ही सुंदर है और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है। तो आपकी ये सब फैसिलिटीज़ है ना कि एक्वेरियम स्पेस एग्जीबिशन ये सब फ्री है और प्रीमियम फैसिलिटीज़ में जो पेड फैसिलिटीज़ में ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये कुछ मेज टाइप का है जहाँ इसके अंदर आप घूम सकते हो। पार्क है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। करते हुए उनका प्रवास का वृहद क्षेत्र कई आधुनिक देशों की सरहदों को भी पार कर जाता है लेकिन सामियों के लिए ये एक ही यात्रा पथ का हिस्सा है जिस पर आजादी से घूमकर उनके 12 सिंगे जीवित रह पाए। टाइम ट्रैवल होगा कहाँ जाएंगे नहीं पता। मजा आएगा, बहुत मजा। देखो कहाँ पहुँच गए। ओह माय गॉड, द ड्रिफ्ट।